याद रखिएगा कि सभी का स्वागत है, आ जाइए। डिफेंस थोड़ा सा तेज चलेंगे। सुशांत पांडे जी नमस्कार। याद रखिएगा हम लोगों को इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करना है आज की क्लास में। मैं आप लोगों को हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है सीडीएस एफ कैट या सीएपीएफ का, तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और परचेज करिए, जिसमें आपको लाइव टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। याद रखिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के या ईमेल आईडी डाल के डाउनलोड करिए और ढेर सारे टीचर से पढ़ने का मौका उठाइए। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाते हो तो आपको ढेर सारे सब्जेक्ट और जल थल वायु तीनों की तैयारी करने को मिलता है। कोड लगाइए मेरा, फ्री कंटेंट और फ्री क्विज उठाइए। प्लस की क्लासेस के साथ साथ स्पेशल क्लासेस लर्निंग ऐप पर चलती है, उसे एक्सेस कर सकते हो। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको मेरा कोड लगाना है, तो ये 9680 का ना पढ़ के 8712 का पड़ता है। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इससे जुड़िए। इससे जुड़कर आप हमें कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो, सब्सक्रिप्शन का डिटेल, पीडीएफ का डिटेल, क्लासेस की लिंक, ये सब चीज़ें अवेलेबल होती। चलिए फिर से बताऊं मैं कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। मैंने बताया कि स्वराज पार्टी के संस्थापक दास थे। रिंग ऑफ फेंस लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। हाँ ठीक है, याद रखिएगा स्वराज दल से संबंधित नहीं। कौन है? तो सी राजगोपालाचारी नहीं है, विट्ठल भाई पटेल हैं लेकिन वल्लभ भाई पटेल भी नहीं है। अब आइए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देश बंधु किसको कहते थे? तो बताएंगे कि चितरंजन दास को कहते हैं। मैंने कहा था ये क्लास रैपिड फायर के रूप में स्टार्ट होगी, रैपिड फायर। ठीक है, तेजी से चलेंगे। स्वराज पार्टी का नेता कौन कौन है? तो मैंने बताया चितरंजन दास और नेहरू ने मिलकर ही स्वराज पार्टी 1923 में स्थापित की थी। बोला है कि किसने स्वराज दल का गठन किया था? दास, आजाद, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू। तो हम बताएंगे सी आर दास ने किया था, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर नहीं। विट्ठल भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसमें नहीं थे। चलो क्वेश्चन पूछा है कि स्वराज पार्टी जो खिलाफत थी उसका मुख्य कार्य खिलाफत करना था, तो किस चीज की खिलाफत करना था? मैं अभी बताऊंगा उसका, बट ये बताओ खिलाफत स्वराज पार्टी और स्वराज पार्टी में कोई अंतर है क्या? तो बोलेंगे नहीं, सेम चीज है। सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, बी अम्बेडकर। तो बताएंगे सेम है, ऑप्शन सी वाला। स्वराज पार्टी को ही खिलाफत स्वराज पार्टी पूरा नाम के रूप में जाना जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? तो मैंने कहा ना खिलाफत अभी नाम दिया इसका मैंने। तो बताएंगे कि विधानसभा में अवरोध डालने हेतु इन्होंने ऐसा किया था। मेरी बात समझ आई? सभी को क्लियर है? बोला है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक व अधिक के लिए की गई थी। क्यों? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण ये जो है वो स्वराज पार्टी हो गई थी। तो यहां सही तो लग रहा है। काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देना, बिल्कुल सही है, यह भी एक आइडिया है उनका। सही, ब्रिटिश सरकार का द्वारा दमना, बिल्कुल नहीं है। भारतीयों द्वारा इसके आशा की अनुभूति, उन्हें प्रशासन अनुभव प्राप्त करना चाहिए था, नहीं। अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रशासन करने में कैसा लगता है? नहीं। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 बिल्कुल सही। याद रखिएगा जब गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद लोगों ने देखा कि ये लोग कुछ भी बना दे रहे हैं, तो चलो लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुलकर हर चीज का विरोध करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? चलिए आगे अगला क्वेश्चन। डिफेंस लवर और सुशांत सर अगर हैं तो आंसर दीजिए। कांग्रेस में स्वराज संगठन में किसका नाम सम्मिलित नहीं है? जो स्वराज पार्टी बनी थी कौन नहीं? दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, मैंने कहा था हाकिम अजमल खान भी थे। कौन नहीं था? वल्लभ भाई पटेल, लेकिन विट्ठल भाई पटेल थे, याद रखना। इसलिए ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, केलकर या प्रसाद? अब जरा सोच कर बताना। स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, दास और नेहरू तो थे,
अब बताइए केलकर और राजेंद्र प्रसाद में किस पर टिक लगाओगे? तो बताएंगे कि राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित नहीं थे, ठीक है? देखो आपके कमेंट्स आते रहेंगे और मेरे साथ चलते रहोगे ना तो ही बेनिफिट है। ऐसे सत्यनारायण भगवान कथा की तरह सुनोगे तो कम समझ में आएगा। हिमलता आ जाइए, आंसर दीजिए। लेट नाइट आंसर देंगे कि मोतीलाल नेहरू। तो मैं अब तेजी से चलूंगा, ठीक है? मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, कौन सा दल में नहीं था? चितरंजन दास भी थे, विट्ठल भाई पटेल भी थे, श्रीनिवास अय्यंगर और सी राजगोपालाचारी में कौन नहीं था? अभी बताया था पीछे कि चार ही नहीं थे, आयंगर पटेल और दास थे, और कौन पटेल? विट्ठल थे, वल्लभ नहीं थे। कई बार चिल्ला चिल्ला कर बोला, याद रखना। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सिविल नॉनफॉर्मी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? स्वराज पार्टी का जो है वो गठन असहयोग आंदोलन की असफलता 1920-22 के बाद असफल हो गया था, तो 1923 में गांधी जी की असफलता के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसको शुरू किया। बोला कि किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया? क्यों कांग्रेस के अध्यक्ष पद से? उनको निर्माण करना था स्वराज पार्टी, तो उन्होंने बोला नहीं, अब हमें नहीं रहना। तो नेहरू थे कि दास थे कि विट्ठल थे कि फिरोज शाह मेहता थे? तो बताएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सी आर दास ने त्याग दिया था कि अब हम अध्यक्ष कांग्रेस के नहीं स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? डोमिनियन स्टेट, सांप्रदायिक समस्या, श्रमिक नेताओं से कि अस्पृश्यता? 1929 का जारी किया गया दीपावली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो याद रखो रावी नदी के तट वाला है। तो बताएंगे 17 का आंसर डोमिनियन स्टेट से, याद रखिएगा जरूर से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता, नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी? तथा इसका विषय था भारत में स्थानीय स्वशासन कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं? तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी वो जवाहरलाल नेहरू पर नहीं थी, मोतीलाल नेहरू पर थी, तो इसलिए इनमें से कोई एक होगा। और दूसरी चीज कि ये जो आपका नेहरू रिपोर्ट था वो संविधान को बनाने से संबंधित था, तो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, तो मतलब ऑप्शन सी सही होगा, 18 का ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो आज स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताएंगे पूर्ण स्वराज, असहयोग आंदोलन को काउंसिल तक पहुंचाना, स्वशासन या सिद्धात्मक साधनों से अंग्रेजी अंग्रेजी शासन का विनाश। स्वराज दल क्यों बना था? एकदम सिंपल सी बात है कि असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना, कि वहां तक पहुंचकर हम लोग आपके सारे बिल्स को पारित होने नहीं देंगे, यही उनका मेन टारगेट था। नारायण प्रजापति, रात दिन क्या यार, जब पढ़ाई एग्जाम आ रहा होता है तो सब रात दिन एक हो जाता है। चलो चले आगे बढ़े। याद रखिएगा साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट पर कुछ क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इसको एनालिटिकल स्टडी करते हुए बताएंगे, ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, ठीक है? 20 का ऑप्शन क्या होगा जरा सोचो और बताओ मुझे। बोला है कि क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, साइमन कमीशन का आने के बाद जन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि साइमन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, याद आया? साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे, मेरी बात समझे? इसी को व्हाइट कमीशन का नाम दिया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किया था? केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन दिया? कलाम, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या जिन्ना, किस पर टिक लगाओगे? तो बताएंगे वो थे जिन्ना, जिन्होंने इस तरह का समर्थन हमें स्वराज दल का समर्थन किया था कि भैया सही है, कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुआ था ये स्वराज दल,
तो इसलिए जिन्ना इसका सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ रहते थे जिन्ना हमेशा। तो जिन्ना शुड बी द राइट आंसर। मेरी बात सभी को समझ आई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मोती और चितरंजन दास ने पृथक दल जो स्वराज पार्टी कहलाया था का गठन क्यों किया था? ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के आकस्मिक निर्णय के विरुद्ध उनकी प्रतिक्रिया थी। मेन कारण यही था, बैठे थे कि गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लें और ये दया बनाए। वो कांग्रेस की प्रगति से संतुष्ट नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कांग्रेस को जलन हो रही थी उनको आगे बढ़ते हुए देखकर। क्रांतिकारी विचारधारा वाली अधिक सक्रिय पार्टी बनाने के पक्ष में थे, या फिर उन्हें लगता था कि कांग्रेस समय उनके विचारों मतों पर ध्यान नहीं दिया। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्रांतिकारी विचारधारा वाले अपनी अधिक सक्रिय पार्टी बनाने के पक्ष में थे, ये बात तो सही है। वैसे प्रगति उनका तरीके, अगर प्रगति के बजाय तरीका होता तो वो बात सही हो जाती। वैसे बी एंड सी दोनों सही है। सी पर टिक लगाइए, आगे बढ़िए। बोला है कि निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रतिनिधि सरकार के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त करने के लिए बनाए थे? नहीं, सुधारों को लागू करने में सरकार का सहयोग बिल्कुल नहीं। इन्होंने 1919 के सुधार को ध्वंस करने और उसका अवरोधन करने के लिए खिलाफत स्वराज पार्टी 1923 का निर्माण किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। पच्चीस का साइमन कमीशन एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। चलो ए तो सही है, इसका दूसरा वो दिया ही नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन को टर्मिनेट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़िए। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किस पर टिक लगाओगे? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो बताएंगे सर जॉन साइमन ने खुद उनको बाहर रखा था। नहीं, पढ़िए जो भी है, मतलब मेहनत तो सबको करनी है, अब आप ही कर लीजिए। साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया कौन कारण बहिष्कार के पीछे नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन का खूब बहिष्कार हुआ, क्या कारण था, क्या नहीं था? चलिए पढ़ते हैं क्या नहीं था। भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार की उपेक्षा की गई, कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं था, ये तो सही है। समय के पहले निर्मित हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि सभी 7 सदस्य थे। देखो इसमें भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकारों की उपेक्षा हुई थी, बिल्कुल सही है। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, बिल्कुल सही है। इसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज सदस्य थे, बिल्कुल सही है। समय से पहले निर्मित हो गया मतलब क्या, ये कोई सेंस ही नहीं बैठता। क्या 2 साल बाद निर्मित होता तो हम मान जाते क्या? नहीं, तो ये गलत है। यही बात समझे? साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया? 28, 26, 29, 42। तो बताएंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927 में पास कर दी गई थी, आया था 28 में। इसी समय लाला लाजपत राय ने लाठियों की वो गोली और लाठियां झेली थी और मर गए थे। चलिए बताइएगा। बोले कि इसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो मैंने अभी बताया 1927 में नियुक्ति हुई थी और 28 में भारत आया था, तो 27 में इसकी नियुक्ति हुई थी, याद रखिएगा। देखिए ये रैपिड फायर क्लास है, तेजी से चलेंगे तभी बेनिफिट होगा। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए बताइए। तो बताएंगे कि साइमन कमीशन भारत 28 में आया, ना कि 27 में, नियुक्त किया गया था 27 में। कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट में ऐसा वर्णित नहीं, और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, यह भी ध्यान रखना। पृथक निर्वाचन मंडल, डोमिनियन दर्जा, एकात्मक तथा लोकतांत्रिक केंद्र की वयस्क मदद का, कौन सी अनुशंसा नहीं थी? 3 बातें तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में डाली थी, इन तीनों से एक बात गलत है। कौन सी गलत है वो बात पता करो, बताओ। 31 का आंसर बताओ। किस पर टिक लगाओगे? तो बताएंगे, जरा सोच लो, चलो एनालिटिकल अप्रोच रखो और बताओ मुझे, मैं वेट करूंगा।
जैसे हेमलता ने और नारायण पांडे ने कोशिश करी, नहीं नारायण पांडे ने कोशिश नहीं करी, तो याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा में पृथक निर्वाचन का कोई बात नहीं था। आप कॉमन सेंस लगाइए कि नेहरू रिपोर्ट ये सब क्यों मांगेगा कि हिंदुओं का अलग रखो, मुस्लिमों का अलग रखो और आरक्षण SC ST का अलग रखो, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। पृथक निर्वाचन ये बात गलत है। बाकी डोमिनियन स्टेट चाहते थे नेहरू रिपोर्ट में, एकात्मक तथा लोकतंत्री केंद्र चाहते थे, वयस्क मताधिकार भी चाहते थे। बिल्कुल सही है। बताइएगा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सी बात सही है? देखो नेहरू रिपोर्ट याद हो जाना चाहिए, आज का टॉपिक ही 10 क्वेश्चन पे नेहरू रिपोर्ट है। किस पर टिक लगाया था पहले वाले क्वेश्चन पे? हमने बता डी पर गलत हो गया था। ये ला बताओ नेहरू रिपोर्ट में राज्य का धर्म निरपेक्ष स्वरूप एक मूल अधिकार के रूप में दर्ज किया गया। नेहरू रिपोर्ट में जो राज्य का धर्म निरपेक्ष स्वरूप है वो धर्म निरपेक्षता मौलिक अधिकार होगी कि हम कोई भी धर्म अपनाएं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये बात सही लग रही है? दूसरा नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्विभाजन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। दोनों बातें सही हैं कि दोनों बातें गलत हैं कि कोई एक बात सही है? किस पर टिक लगाओगे? तो याद रखिएगा बिल्कुल सही है, ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर पुनर्विभाजन हो राज्यों का और हुआ भी आगे चलकर। और दूसरा कि धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म हमारा फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेहरू रिपोर्ट में ये दोनों मेंशन था। नेहरू रिपोर्ट का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है कि RK नेहरू से, कि BK नेहरू से, कि मोतीलाल नेहरू से, कि जवाहरलाल नेहरू से? तो बताएंगे नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से नहीं। नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने की थी? जे नेहरू, ML नेहरू, RK नेहरू, BL नेहरू, ऐसे दे देगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए ML नेहरू पर टिक लगाएंगे, मोतीलाल नेहरू पर। मेरी बात समझे? चलो ये क्वेश्चन बताओ, सर्वदलीय सम्मेलन एक उप समिति 1828 में आयोजित, तेज बहादुर 1800 नहीं है 1928 है, मिस प्रिंट है, तेज बहादुर शत्रु और सुभाष चंद्र बोस थे, उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? मौलाना मदन मोहन मोतीलाल नेहरू। किस पर टिक लगाओगे? हिमलता स्पीड बढ़ाइए। तो बताएंगे मोतीलाल नेहरू थे वो, ठीक है याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू का सदस्य नहीं था, बोला कि निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? प्रधान, बोस, इमाम, घोष, तीन लोग थे, एक नहीं था इसमें से, कौन नहीं था? नेहरू समिति में कई सदस्य थे लेकिन हेडिंग कर रहे थे उसकी, लीडिंग कर रहे थे, प्रेसिडेंसी कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। अन्य सदस्य कौन कौन थे? प्रधान थे, बोस थे, इमाम थे, घोष थे, इनमें से एक नहीं था, कौन नहीं था? सुषमा आ जाओ, नीतेश आंसर दीजिए। डी, अरविंदो घोष नहीं थे। अच्छा ये कंफर्म में है कि गेस मारा जा रहा है? तो बिल्कुल सही है, अरविंदो घोष इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन में कौन उदारवादी था? एटली, साइमन, लेन फॉक्स या वर्नन? एक लोग उदारवादी थे, चार सदस्य थे साइमन कमीशन में, यही चारों ने मिलकर व्हाइट कमीशन बनाया था ना। तो ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हुआ कि साइमन कमीशन के कौन कौन से सदस्य थे। एटली थे, साइमन थे, लेन फॉक्स थे, वर्नन थे, वर्वनम थे, कौन होगा बताओ? एक बहुत ही पोलाइट आदमी था, सबसे सीधा शरीफ आदमी, उदारवादी नेता था, कट्टरपंथी नहीं था। तो बताएंगे वो खुद साइमन थे, ठीक है, भले ही लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया गया था, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन की वजह से मारे गए, लेकिन इन चारों में सबसे उदारवादी ही जो थे वो साइमन ही थे। देखिए अंदर की बात पता चली, अभी तक हम लोग साइमन को गाली देते थे, अब उसके साथ के सदस्यों ने जो है मेजोरिटी नहीं दिखाई जिसकी वजह से साइमन क्या करते, तो वो उदारवादी नेता माने जाते थे। मेरी बात यहां तक समझ आई? मेरी पीठ पर किया जाने वाला एक एक वार ब्रिटिश सरकार के कफन के ताबूत की कील बनेगा, इस तरह का स्टेटमेंट किसने दिया था? भगत सिंह या लाला लाजपत राय? किस पर टिक लगाया जाएगा?
आप चेक अपने ताश सुना जल्दी बताइए। मेरी पीठ पर किया जाने वाला तो बताएंगे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैचुरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? स्टैचुरी कमीशन है, इंडियन स्टैचुरी कमीशन को क्या कहा जाता है? हंटर, कैबिनेट, सैडलर या साइमन? तो बताएंगे हंटर कमीशन कहा जाता है। ठीक है, हंटर कमीशन। वैसे सॉरी, हंटर कमीशन नहीं, बोला है ना हंटर कमीशन, उसका मुझे याद आ गया, वो जो 1857 की क्रांति की जांच के लिए जो बनी थी वो हंटर कमीशन थी। और हंटर कमीशन शिक्षा से, देखो दो बातें हैं, इसका आंसर साइमन कमीशन होगा। मैं बता दूं हंटर कमीशन क्या है, याद रखेंगे, एक तो है 1857 की जांच के लिए क्यों हुआ, ऑडिट हुई थी तो ये हंटर आयोग बना था। दूसरा, हंटर कमीशन जो है शिक्षा से संबंधित है। लेकिन अगर हम पूछें कि स्टैचुअरी कमीशन, इंडियन स्टैचुअरी कमीशन जो है, ये जो है आपका साइमन कमीशन का ही दूसरा नाम है, इसको याद कर लो और हमेशा दिमाग में बैठाया रहना। समझ गया मेरी बात? सबसे प्रमुख नेता बोला है कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की उन्होंने, वो लीग किसके विरोध में स्थापित की गई? देखिए, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया की एक लीग बनाई थी, और वो भी जवाहरलाल नेहरू ने, वो भी कांग्रेस दल की उप शाखा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, मेन हेड से, एक्सट्रीम से हटकर एक शाखा थी, उसका नाम था इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग। वो क्यों बनाए थे? होम रूल लीग आंदोलन के लिए, इरविन समझौता के लिए, नेहरू रिपोर्ट के लिए, मॉन्टफोर्ड सुधार के लिए, मॉन्टेग्यू टेम्सफोर्ड सुधार के लिए। किस पे टिक लगाओगे? जिस समय मोतीलाल नेहरू अपना नेहरू रिपोर्ट बना रहे थे, उस समय उनके पुत्र उप कांग्रेस में भी अपनी शाख बना रहे थे, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, समझे, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने, ये इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना करी। मतलब बाप वर्सेस बेटा, मेरी बात समझे? चलो खैर, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, आराम से करने की कोशिश करें, घबराएंगे नहीं। पढ़ो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 41 का क्या होगा, सोचो, क्वेश्चन नंबर 41 का क्या आंसर होगा? तो बताएंगे कि भैया साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा एक कदम सही है? इसे गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया? नहीं, ऐसा नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की, हाँ बिल्कुल सही है। केंद्र में द्वैध शासन नहीं, भारतीय पुलिस सेवा पर, इसका साइमन कमीशन से पुलिस सेवा का कोई लेना देना नहीं। याद रखिएगा, प्रांतों में डायरकी, द्वैध शासन का उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित, रिप्लेस करने का, सब्स्टिट्यूट करने का प्लान था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन से, साइमन कमीशन का गृह विभाग से कोई लेना देना नहीं, केंद्र में द्विसदन से कोई लेना देना नहीं, पुलिस सेवा से लेना देना नहीं था। चलिए आइए 43 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, सोचिए और बताइए। किसने सर्वप्रथम भारत में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? औपनिवेशिक स्वराज समझते हो, कॉलोनियल, कि भैया तुम हमें बनाए रहो अपना, और हमसे यहाँ व्यापार करते रहो, शासन वशन तुम भी करते रहो, लेकिन हमको भी थोड़ा सा कुछ फ्रीडम दो कि हम भी कुछ नियम कानून बनाए, तुम भी रहो हम भी रहें, ब्रिटिश भी रहें इंडियन भी रहें। तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी, पटेल, सप्रू जयकर या फिर नेहरू और जगजीवन राम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच कर टिक लगाओ।
तो बताएंगे औपनिवेशिक औपनिवेशिक मतलब कॉलोनियल इंडिपेंडेंस की जो बात करी थी, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने मिलकर ये कहा था कि हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये फ्लॉप हो गया था आइडिया। बाद में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए, सरकारी नौकरी की नियुक्ति से जुड़ी हुई नियुक्तियों को लेकर, सांप्रदायिक समस्या को हल करने आए थे कि अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार का गठन प्रारंभ करना चाहते थे? जरा सोच कर बताइए किस पर टिक लगाएंगे। तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया था भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने का मूड लेकर आए थे साइमन कमीशन यहाँ। ठीक है, कई बातें थी उसमें, उसमें एक बात ये भी थी कि भारतीयों में जज जो बैठेंगे वो सफेद बैठेंगे सब। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। बोला कि नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने स्पेशली बनाई थी, किसके विरोध में थी वो? कृपलानी, दास, बोस या चिंतामणि? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच कर बताइए। देखिए मेरी बात ऐसे समझिए, नेहरू रिपोर्ट ने एक उपनिवेश के विचार का कॉन्सेप्ट दिया। नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन लोग थे बताया था ना मैंने, उपनिवेश के विचार, स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का एक लोगों ने विरोध किया। देखिए नेहरू रिपोर्ट ने बोला कि तुम भी रहो हम भी रहे, ठीक है, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा चिढ़ गए एक आदमी। कौन चिढ़े? तो बताएंगे सुभाष चंद्र बोस, नाराज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, नेहरू रिपोर्ट सही नहीं है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? इसके लिए मैं रुकूंगा और वेट करूंगा कि आप लोग आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। पैतालीस का आंसर क्या होगा? नहीं, उसका आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस होगा, जो मैंने बताया वो। ठीक है, समझो क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ो। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर, मुझे पता था 100% लोग गलत करेंगे, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, बिल्कुल सही है। लेकिन साइमन गो बैक का नारा लगाया किसने था? तो बताएंगे लाला लाजपत राय। यूसुफ मेहर अली ने ये नारे का निर्माण किया। ऐसे ही मैंने बताया था हजरत मोहानी ने, हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद लिखा। वही बात समझे, हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद लिखा, लेकिन उसका नारा फेमस किसने किया? भगत सिंह ने। ऐसे ही ये साइमन गो बैक का नारा लिखा किसने? यूसुफ मेहर अली ने, लेकिन इसको फेमस किसने किया? लाला लाजपत राय ने। आई बात समझ? बोला है कि यह कटाक्ष कि भारतवासी किसी भी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ है। देखो सही बात है, कई तरह की जाति, कई तरह के धर्म, ये सब लेकर भारत बना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब एक पॉइंट पे सबको सहमत कर लेना तो इम्पॉसिबल है। तो इन्होंने कहा कि भारतवासी किसी एक संविधान पर एकमत हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बात साइमन ने कहा था कि साइक्स ने कहा था कि बर्केन हेड ने कहा था कि रीडिंग ने कहा था, किसने कहा था? बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन ये बर्केन हेड का स्टेटमेंट था, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। कहां पर? क्रिप्स मिशन पर, रोलेट एक्ट पर, साइमन कमीशन पर, जलियांवाला बाग पर। सब लोग जानते हो साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए इनको लाठियां पड़ी थी। इसका बहुत अच्छा वो दिखाया था उसमें, रंग दे बसंती में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित? अभी तक तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट या कॉलोनियन स्टेट की बात हो रही थी, उपनिवेशवाद के साथ स्वतंत्रता चाहिए हमें। लेकिन आगे चलकर पूर्ण स्वतंत्रता की बात, पूर्ण स्वराज की बात कब हुई थी? मुझे याद आ रहा है रावी नदी के तट पर झंडा लहराया गया था, नेहरू जी ने लहराया और बोला कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस। बताइएगा कौन से सन में? सब लोग जानते हो रावी नदी के तट पर झंडा कब लहराया गया? 29 में लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा लगाकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई, और वहीं से स्वतंत्रता दिवस मना लिए थे हम लोग। टुवर्ड्स कंप्लीट स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस, इसको कंप्लीट स्वराज नहीं टोटल इंडिपेंडेंस कह। अब चलो ठीक है, वो समझ लेना कंप्लीट स्वराज क्या होता है। आइए अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली थी कौन सा था?
बुलाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वो कौन सा था? सोच के बताओ कौन सा अधिवेशन था वो। तो बताएंगे वो लाहौर अधिवेशन था, अभी बताया मैंने। चलिए लाहौर अधिवेशन में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के 29 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसने घोषित किया? मोतीलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू, यही बता दो बस, मान जाऊंगा कि हाँ तेज हो। मोतीलाल नेहरू थे कि जवाहरलाल नेहरू थे? बताएंगे कि वो जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने जो किया था वो टोटल इंडिपेंडेंस नहीं था नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जो किया वो बोला कि नहीं अब टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे जो फरवरी 1928 में हुआ? अंसारी, नेहरू, बोस, गांधी या कोई नहीं? देखो कॉमन सेंस से ये आंसर सही हो जाएगा। बताएंगे कि 28 में जो बना वो अध्यक्ष वो था कौन? बताएंगे MA अंसारी थे। और 29 में जिसके अंडर में पूर्ण स्वराज की बात हुई उस समय अध्यक्ष कौन था? तो बताएंगे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 28 में अंसारी थे, 29 में जिनके अंडर में पूर्ण स्वराज की बात उठी वो जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा पूर्ण स्वराज का जिसके द्वारा घोषित किया गया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 28 में अंसारी, 29 में नेहरू। चलिए 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 25, 29, 30, 27, 47। किस में मनाए हम लोगों ने? अपने आप को वो गणतंत्र और वो एक्चुअली इस समय 26 जनवरी को गणतंत्र नहीं कहा जाता था, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। रावी नदी के तट पर जब ये लहरा लिए हम तब जाकर हम लोगों ने ये किया था। तो बताइए कि कौन से सन में किया था? तो बताएंगे 29 में लहरा लिए थे, तुरंत उसके बाद 30 आया, तो इस समय हम लोगों ने अपने आप को पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 तारीख को, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे होता है ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उस दिन क्या मनाया था? इंडिपेंडेंस डे मनाया। बाद में 15 अगस्त को जनता दिवस का रूप दिया गया। सबसे पहला 15 अगस्त कब मनाया गया था? 26 जनवरी को, ऐसे याद रखना। भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 1947 को कि 26 जनवरी 1930 को, कि 26 नवंबर को, कि 26 जनवरी 1950 को? किस पे टिक लगाओगे? वेरी गुड, गलत हो गया। 6 का B ऑप्शन से 1930 होना चाहिए था, 49 नहीं। इसी दिन तो रावी नदी के तट पर लहरा कर हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी और पहली बार इंडिपेंडेंस डे मना लिया। इसके मनाने के 17 साल बाद, मतलब 1947 को देश आजाद हुआ, वो भी 26 जनवरी को नहीं हुआ, 15 अगस्त को आजाद हुआ ठीक है। तो 15 अगस्त अब से इंडिपेंडेंस डे हो गया 47 से, के पहले 26 जनवरी को हम लोग वो स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, कौन सा? कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, रामगढ़, किस पे उन्होंने जो है सम्मेलन किया था और अध्यक्षता भी संभाली थी? क्या बोल रहे हो? तो बताएंगे लाहौर अधिवेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो 39 में हुआ था, बिल्कुल क्लियर है। अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू? किसने सबसे पहली बार ध्वज फहराया था एकदम रात में ही?
तो नाइन्थ का डी, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। बोला लाहौर अधिवेशन में पारिस संकल्प में क्या शामिल नहीं था? पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा, भारत में विदेशी नीति की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। चारों में से एक गलत है, कौन सा गलत है? सोचो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक नेचर ब्यूटी बताइए। तो बताएंगे स्पृश्यता उन्मूलन का कोई मैटर नहीं था। जब हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की बात कर ली तो पूर्ण स्वराज तो था, विदेशी नीति भी बदलेगी क्योंकि पूर्ण स्वराज होगा तो विदेशियों की नीति हमारे ऊपर बदल जाएगी। और दूसरा, उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन दिमाग में बैठा लिया कि अब करेंगे, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी ने मूड बना लिया था, अब हमारी देश हमारी ही हो गई है, अब इन लोगों का अवहेलना शुरू करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि पूर्ण स्वराज संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? जेएल नेहरू, तिलक, गांधी, पटेल, किस पे टिक लगाओगे? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि लाहौर की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। एक्चुअली पहली बार किसी की अध्यक्षता किए थे और बड़ा काम किए थे, इसीलिए कई बार पूछ रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 29 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हुई थी इसलिए, स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की इसलिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ इसलिए, गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया था इसलिए। अब बताओ चारों में से किस वजह से 29 का अधिवेशन फेमस है? तो कॉमन सेंस है यार, ये सब चीजें थी नहीं, पूर्ण स्वराज की बात हुई थी इसलिए 29 का अधिवेशन बहुत फेमस आता है, रावी नदी वाला। रावी नदी को ही परुशुड़ी नदी भी कहा जाता है, याद रखना, लाहौर में पड़ती है। आइए कुछ क्वेश्चंस जो गांधी जी ने प्लान किया कि भैया अब पूर्ण स्वराज की बात कर लिए, हम लोगों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस न मनाकर इंडिपेंडेंस डे मनाया 1930 में। अब गांधी जी ने प्लान किया इसी समय में गोलमेज सम्मेलन होगा 30, 31 और 32 में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, भगत सिंह की फांसी वाला केस, ठीक है, और गांधी जी का गांधी ऋण पैक्ट, उसको लेकर गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। और हाँ, सविनय आंदोलन और नमक दांडी आंदोलन सब यहीं से आपको अब देखने को मिलेगा। दांडी यात्रा शुरू हो गई, कब हुई? मार्च में, 10 मार्च में कि 10 मार्च, 31, 32 या 30, बताइएगा। पहली बार सिविल डिसओबीडियंस एक्ट कि भैया जो तुम्हारे नियम है, हम नमक बनाना मना है तो हम नमक बनाएंगे। 72 अनुयायियों के साथ गांधी जी निकल गए और साबरमती से निकलकर गुजरात के तट पे जाकर उन्होंने नमक बनाया। तो ये कितने तारीख को शुरू किए थे, कितने दिन चली और कितने लोग थे? तो मैंने बताया 72 अनुयायी थे, तारीख आप बता दीजिए क्या थी, तारीख का वेट कर रहा हूं मैं, आप बताइए तो आगे बढ़े। तो बताएंगे दांडी मार्च, बिल्कुल सही है, 12 मार्च, दांडी मार्च 12 मार्च, महीना याद हो गया, 12 मार्च को 1930 को चले। सविनय के आंदोलन में संबंधित कठोर पर विचार कीजिए, सविनय के आंदोलन के लिए दो स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो बताएंगे क्या बताएंगे कि गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना स्वीकार कर लिया कि चलिए आप कह रहे हैं, जब गांधी जी इरविन से मिले तो इस समझौते पे हस्ताक्षर किए कि चलिए आपके कहने पे हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आप भी मेरी कुछ बात मानिए। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को जो हिंसा के लिए सिद्ध दोष नहीं थे मुक्त करने का आश्वासन दिया, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो एक और दो ऑप्शन दोनों सही होगा, बिल्कुल सही है। जो हिंसा से मुक्त थे, जिन्होंने हिंसा की उनको मत छोड़ो, लेकिन जिन्होंने हिंसा नहीं की उनको क्यों पकड़े हो, उनको तो जाने दो,
मेरी बात समझे? मोहित अहमता क्लियर है? ड्यूटी, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब करी थी नेहरू ने? 27, 29, 21, 32। अभी सीख सीख कर बताया हूं मैं, यही लाहौर अधिवेशन वाली उन्होंने की हुई थी, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है वो। लाहौर अधिवेशन पर जोर दिया, औपनिवेशिक स्वशासन, होम रूल, पूर्ण स्वराज या सही भागीदारी, तो सब जानते हो कि टोटल इंडिपेंडेंस की बात हुई थी। 21 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की मांग उठाई। देखो 1929 में एकदम टोटल इंडिपेंडेंस हाईलाइटेड था, लेकिन आज से 8 साल पहले 1921 में ये बात उठ चुकी थी पूर्ण स्वराज की। किसने उठाई थी? नेहरू ने ही उठाई थी कि कोई मौलाना मोहम्मद अली थे, कि गांधी थे, कि मौलाना हजरत मोहानी थे? कौन था जिन्होंने पहले ही ये बात उठा दी थी कि हाँ ऐसी बात है? 18 का आंसर दीजिए, जरा देखूं, मैं वेट कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हजरत मोहानी ही थे जिन्होंने सबसे पहली बार ही पूर्ण स्वराज की बात भी कह दी। ठीक है, चलिए आइए। दांडी मार्च गांधी जी के साथ था कौन? मिलर, बेल्सफोर्ड, स्लोकोम्ब या फिर पेटरसन? गांधी जी के साथ चल दिया, क्रियाम है आपके साथ। चलिए, गांधी जी से इतना इंप्रेस होते थे, सब अंग्रेज आते थे, माथा टेक कर जाते थे, अलग से छुप कर आते थे कि कहीं सरकार से डांट फटकार न पड़ जाए। तो वो कौन था जो गांधी जी का फैन था? तो बताएंगे वेब मिलर, वो गांधी जी के साथ चल दिया था। ठीक है, दांडी मार्च में मिलर मिलकर गांधी जी के साथ चल दिया। वेव, एक वेव आई थी ना मार्च में, वेव आई थी, तो गांधी जी के साथ मिलकर, तो वेब मिलर से याद कर लो, मुझे तो याद रहेगा। विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया, वो कौन था? वेब मिलर था, ग्रेग था, पेज था कि फिशर था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, वही ये वेब मिलर ही है जो एक विदेशी पत्रकार थे, गांधी जी के साथ दांडी मार्च चले, लेकिन गांधी जी ने कन्विंस किया कि चुको तुम कुछ, अब रुको, सबको मोटिवेट कर लियो ना, अखबार में छाप दिए हो, अब तुम यहाँ बैठो और यहाँ मेरा आश्रम संभालो, तुम वहां तक जाओगे थक जाओगे, अंग्रेज की औलाद हो, तो इसलिए हम मर्द लोग निकल रहे हैं, तुम लोग रुको यहाँ पे। ठीक है, तो वेब मिलर, वैसे वेब मिलर अच्छा आदमी था, ऐसे मजाक उसका नहीं उड़ा सकते, लेकिन क्या करें, अब गोरे लोग हैं, फिर फिरंगी लोग हैं, तो करना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, चलें, तो वेब मिलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेब मिलर कौन था? पत्रकार था। दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ? अहमदाबाद से, बहादुरी, सूरत की, बड़ोदरा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब बताइए कहां से शुरू हुआ था दांडी मार्च? सही है, अहमदाबाद से शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। बोला कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से, चंपारण से, बारदोली से कि दांडी से, कहां से शुरू किया था? तो ठीक, साबरमती आश्रम से ही शुरू किया था जो कि अहमदाबाद में था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि दांडी मार्च दांडी से शुरू किए थे। ठीक है, बोला कि किस तारीख को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर दिया था और सविनय के आंदोलन का पहला क्लास चलाया था? 30 को, 31 दिसंबर को, 12 मार्च को? तो अभी बताया था दांडी मार्च का डेट क्या है, 12 मार्च है, याद रखना। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर हम लोगों ने वो कर दिया, तो ठीक फरवरी मार्च, तो ठंडी खत्म होने का वेट किए थोड़ा सा, जब थोड़ा सा मौसम सुहावना हुआ तो मार्च में हम लोग मार्च करने निकल गए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता कौन बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया गांधी जी तो गिरफ्तार हो गए क्योंकि उन्होंने सिविल मतलब कानून का डिसोबीडियंस किया है, तो नमक कानून बनाना मना था, तुम बना दिए तो तुमको तो जेल में जाना पड़ेगा, यरवदा जेल, आगा खां पैलेस, सेल्यूलर जेल, कहीं तो जाओगे, तो बाकी जो रहेगा यहाँ कौन लीड करेगा? तो बताओ, अब्दुल कलाम आजाद थे कि तबर तैयब जी थे, कि जवाहरलाल नेहरू थे, कि वल्लभ भाई पटेल थे, कौन था? गांधी जी के बहुत अच्छे और बहुत प्रिय आदमी थे, तो बताएंगे तैयब जी जो थे, अब्दुल
अब्बास तैयब जी बोले, गांधी जी आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लेवल पे संभाल देंगे, ठीक है। दांडी मार्च का संबंध किससे है? नमक कानून तोड़ने से, निर्वाचन से, हिंदू मुस्लिम एकता से, छुआछूत से? तो नमक कानून तोड़ने से, बिल्कुल सही है। कितना मील चले थे 72 अनुयायियों के साथ 13 मार्च को? चले थे, अभी पूछेगा कब पहुंचे, तो बताएंगे 240 मील। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, समझे? तो 240 मील बराबर कितना किलोमीटर? तो गुणे 1.6 कर देना, समझे? तो पता चल जाएगा। तो इतना मील पैदल यात्रा चले, आप सोच लीजिए, इतना मील मतलब यहां चले होंगे, लखनऊ पहुंच गए होंगे, बनारस से लखनऊ आराम से पहुंच गए होंगे। किस जनपद में स्थित है दांडी? भुज, मेहसाणा, 900 द्वारका, कहां पर है? तो बताएंगे कि इसका राइट आंसर है, एक्चुअली नौस ना होकर नौसारी होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस है, तो सी आंसर होगा नौसारी, ठीक है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग ये नहीं पहुंचते कि कहां पर समाप्त हुआ। अहमदाबाद से तो शुरू हुआ था लेकिन नौसारी में जाकर समाप्त हुआ। बोला है कि गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे नौसारी में, ठीक है, याद रखना। बोल क्या रहा है अगला क्वेश्चन, कि विदेशी पत्रिका का नाम बताइए जो घरसाना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार पत्र में लिखता था। वाह, ये चीज तो अभी बताया था मैंने, सही होना चाहिए। तो वही है वेब मिलर, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है लाल कुर्ती, खुदाई खिदमतकार, लाल कुर्ती बताया था मैंने, गदर आंदोलन, कामा गाटा मारू, तो ये सब चीजें सब बताया था पिछली क्लास में। बताइए लाल कुर्ती दल जो है किसने संगठित किया, कहां पर किया? पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए किया गया था, स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए किया गया था लाल कुर्ती, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए किया गया था, या फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए किया गया? लाल कुर्ती आंदोलन क्यों शुरू किया गया, आपके हिसाब से क्या लग रहा? तो मतलब अब हम लाल रंग का कपड़ा पहन लिए, मतलब मेरा खून बहेगा भी ना, तो हमको डर नहीं लगेगा क्योंकि हम खुद लाल खूनी वस्त्र पहन लिए हैं। तो अब तुम लोग निकलो सीधे यहां से, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती के नेता कौन थे? गांधी, गफ्फार, नेहरू, आजाद। देखो गफ्फार और आजाद में ही कोई था, ठीक है, नेहरू गांधी नहीं थे, ये सब तो काम नेहरू गांधी नहीं करते थे। कि गांधी भी हो सकते हैं, या तो सही से देखा जाए तो ऑफिशियल आंसर गांधी ही आ रहा है, पर चलो इस क्वेश्चन को मैं टर्मिनेट कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग का आंसर देखता हूं एक बारी, आप लोग भी एक बारी पढ़ना जरूर। 30 का ऑप्शन मुझे भी बी लग रहा है, बट टॉप आंसर दे रहा है नेता कौन था, तो गांधी दे रहा है, बट चलो कोई नहीं, मुझे भी बी ऑप्शन लग रहा था, बट इसको टर्मिनेट कर रहा हूं, ठीक है। एक बार इस चेक कर लेना, गूगल कर लेना, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स से पता चल रहा है कि गांधी। खैर चलो, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले आंदोलन का नाम क्या था? रेड शर्ट, क्विट इंडिया, खिलाफत आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस पे टिक लगाओ? तो बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया था लेकिन उसका नेता गांधी दे रहा है, अब इस चीज को लेकर एक बार ही सोचा जाएगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती के नाम से भी पहचाने जाने खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल कुर्ती के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार, याद रखिएगा लाल खुद कुर्ती के एक और नाम था, खुदाई खिदमतगारों ने आवाहन किया किसका? अच्छा बताओ, फ्रंटियर गांधी किसको कहते थे? नॉर्दर्न
वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस को कहते थे क्या? भी नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस को कहते थे? वेस्टर्न प्रोविंसेस था कि ईस्टर्न प्रोविंसेस? फ्रंटियर गांधी किस था, ये वाला फ्रंट था कि ये वाला फ्रंट था? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये भारत मान लो तो ये वाला फ्रंटियर था कि ये वाला फ्रंटियर था? अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन जरूर कर ले जाओगे। तो उत्तर पूर्वी नहीं था, उत्तर पश्चिम था। समझ गए मेरी बात? चलिए क्वेश्चन, खैर वेस्टर्न को ही फ्रंटियर गांधी कहते थे। बोला कि खुदाई खिदमतगारों ने किसका आह्वान किया, जरा सोचिए सोचिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं रुका हूँ, वेट कर रहा हूँ आपका। बहुत आराम से कूल होकर जल्दी आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आराम से। का डी बिल्कुल सही है, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध। याद रखिएगा, लाल कुर्ती मुस्लिमों ने शुरू किया, खुदाई खिदमतगार नाम से ही लग रहा है कि मुस्लिमों का है। तो इन्होंने पठान मुस्लिम क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता की ओर हाथ बढ़ाया, और दूसरा उपनिवेशवाद अंग्रेजों के खिलाफ हाथ बढ़ाया। तो यही आह्वान था उनका। ऐसा नहीं था कि उपनिवेशी शासकों का आतंकित करना, अंत में उन्हें हटाकर आतंकवादी युक्तियों में लिप्त कर देना। नहीं, उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजाति से रिलेटेड नहीं था उसका, ऐसा कुछ नहीं था। राजनैतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी का बिल्कुल नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह गांधी जी कैद कर लिए गए तो कौन नेता बना? अभी बताया मैंने, अभी जस्ट बताया, जल्दी बताओ देखूं कितने लोगों को याद हो गया, कितने लोगों को ये बात याद हो गई। तैतीस का क्या आंसर लगाया? तो बताएंगे वो अब्बास तैयब जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। अप्रैल 1930 में पेशावर में गोलीबाजी हुई थी, बताइए। गोलीबाजी जो हुई उनमें से कुछ इंडियंस थे, उन्होंने बोला यार अपने लोगों पर हम गोली नहीं चलाएंगे, तो पेशावर में गोलीबाजी चलाने से मना कर दिए। कौन? गोबंधु चौधरी की, गोविंदानंद की, चंद्रवली गढ़वाली की, गोपेंद्र सिंह, कौन थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे? तो बिल्कुल सही आंसर है, चंद्र सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया था कि हम ये लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएं। उस समय कमीशन में रहकर कमीशन की न बात करने का मानने का मतलब कोर्ट मार्शल हो जाता है। ठीक है, खैर, पेशावर कांड गोलीबाजी हुआ था 1930 में, बहुत इंपॉर्टेंट कांड है। किस नाम से संबंधित किया, का नाम किसके साथ संबंधित किया जाता है? भगत सिंह, गांधी, चंद सिंह गढ़वाली की, चंद्रशेखर आजाद, किसके साथ लगाओगे? अगर हम पूछें कि भगत सिंह 30 से संबंधित है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गांधी ने 30 में ऐसा कुछ नहीं किया, चंद्रशेखर ने 30 में ऐसा कुछ नहीं किया, पेशावर कांड में ये तीनों लोग इन्वॉल्व नहीं थे, चंद्र सिंह गढ़वाली ने मना किया था कि हम गोली वोली नहीं चलाएंगे। याद रखना, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको, अबुल कलाम आजाद की, अब्दुल कब्बार खान को, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, कि मोहम्मद अली जिन्ना को? फ्रंटियर गांधी निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, सोचिए और बताइए। तो बताएंगे खान, अब्दुल गफ्फार खान को वहां का गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर का गांधी। बताइएगा फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खान, आजाद, इनायतुल्ला मिश्रिकी, या फिर मौलाना हसरत मोहानी, किसने किया? तो अभी मैंने बताया खुदाई खिदमतगार ही लाल कुर्ती है, फ्रंटियर
लाल कुर्ती और खुदाई खिदमतगार, ये दोनों, लाल कुर्ती इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि यही खुदाई खिदमतगार के लोग ही लाल रंग के ड्रेस पहन कर निकलते थे कूली जैसा, तो इसीलिए लाल कुर्ती भी नाम कहा गया। अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी ने दांडी मार्च किया, सही है, वे गरीब की जनता को निशुल्क नमक दिलाना चाहते थे इसलिए दांडी मार्च किया, तो ये तो कथन तो सही है लेकिन कारण तो बिल्कुल गलत और एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं करता। या फिर ये हो सकता है कि हाँ नमक दिलाना चाहते थे ये सही है, इस वजह से दांडी मार्च किया कि वो सिविल डिसोबीडियंस के तहत उन्होंने दांडी मार्च किया, किस पे टिक लगाओगे जरा बताओ। ऐसा कुछ नहीं है कि गांधी जी नमक दिलवाना चाहते थे फ्री में इसलिए गए, नहीं, उनका टारगेट था कि सरकार की अवहेलना करना है तो चलो नमक बनाकर ही करते हैं, गरीबों को नमक दिलाने ले जाकर नहीं बेच रहे थे वो, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे। एक और क्वेश्चन कहता है क्या, ध्यान से सुनिएगा, मैंने 72 अनुयायी बताए थे, नहीं 72 नहीं, 78 अनुयायी है, 78 सत्याग्रही थे कि 72 थे, जरा सोचो और बताओ। 78 ही थे, गांधी जी को लेकर 69 हो गए, 79 हो गए, 78 सत्याग्रह यहाँ आरंभ हुआ और हिंदू मुस्लिम ईसाई सब शामिल थे इसमें, तो बिल्कुल सही है, एक पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही है। बोला कौन सा सही नहीं है, नमक कानून का उल्लंघन था, बिल्कुल सही है, तो यही गलत होगा। समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया, यार ये तो सही होना चाहिए था ना, लेकिन सिंबॉलिक रूप में उन्होंने नमक बनाया, नमक छू दिया बस, मतलब हाँ नमक कानून नोट टूट गया, समझे, नेता वाली स्टाइल। तो ऐसा नहीं जागे बैठ के नमक बनाए थे 2 दिन, नहीं, सिंबॉलिक वे में उन्होंने ऐसा किया, समझ गया मेरी बात। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, किसी पूछो ना एक बार चौंक जाएगा कि हाँ ये सर कैसा क्वेश्चन है, तो खतरनाक लेवल का क्वेश्चन था। चलो बताना, दांडी मार्च के सदन में कौन सा असत्य है, तो वही कि गांधी जी ने पहुंचकर नमक बनाया था, दांडी ग्राम तक मार्च किया था, इसका विरोध करना प्रयोजन था और ये पैदल चले थे, नमक बनाया, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, असत्य कौन सा है, साबरमती से शुरू हुआ दांडी तक खत्म हुआ, सही है, एक एक जगह था ना, नौ, कौन सी जगह थी, नौसारी जगह थी ना, हाँ वही दांडी वही पड़ता है, एक पैदल सेना पैदल वो यात्रा थी, बिल्कुल सही, साबरमती शुरू होकर 24 दिनों में पूरी हुई थी, बिल्कुल सही है, 15 मार्च को शुरू हुआ था कि 12 मार्च को शुरू हुआ, तो ये गलत है ना, 24 दिन लगे थे, देखो कितने फैक्ट्स आए सामने, एक बार ही बता दूं मैं लिख कर, याद रखना क्या क्या फैक्ट्स आए, एक बार ही सुन लो, 78 अनुयायी प्लस एक गांधी जी, 24 दिन लगा, 240 मील चले, ठीक है, 13 मार्च, सॉरी 12 मार्च को पहुंचे, वो हुआ था, तो कितने तारीख को पहुंचे होंगे उसमें 24 दिन जोड़ देना, समझ गए मेरी बात, अप्रैल में पहुंचे होंगे। चलो खैर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, कौन से आंदोलनकारियों पर, आंदोलन कौन सा चल रहा था, खिलाफत चल रहा था कि असहयोग चल रहा था कि सविनय चल रहा था कि भारत छोड़ो चल रहा था। भैया गढ़वाल रेजिडेंसी 1930 की कहानी है, मैं बताऊं जहां तक मुझे याद, और इस समय में वही चंद्र सिंह गढ़वाल जो नहीं थे, उन्होंने मना किया कि हम नहीं चलाएंगे निहत्तों पर गोली, तो ये कौन सी बात है, असहयोग आंदोलन तो 1920 की कहानी है, खिलाफत आंदोलन 1920 की कहानी है, भारत छोड़ो तो 1942 की कहानी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना इस समय, दांडी मार्च वाला, तो इस समय ये आंसर सही होगा, ठीक है, कॉमन सेंस के, मेरी बात समझे, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, 44 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो आंसर बताओ।
तो बताएंगे गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या बंगाल, किस पे लगाया टिक? 43, 44 का आंसर क्या होगा? तो बताएंगे गुजरात इज द राइट आंसर भैया, कॉमन सेंस तो यही कहता है, मेरी बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, ये है पावर और हम लेकर बैठे हैं राइट्स। देखते हैं पावर वर्सेस राइट्स में, मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं कि राइट्स के प्रति लोग सिंपैथी दें और सपोर्ट करें, यह कथन किसका था? गांधी की दांडी यात्रा से समय ये बोला गया था, असहयोग आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, कि भारत छोड़ो आंदोलन से, किससे संबंधित होगा? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि भैया ये जो लड़ाई मैंने छेड़ी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो याद रखिएगा वो दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बड़ी चीजें हुई थी, लेकिन दांडी एक छोटा सा पार्ट था, तो ये जो स्टेटमेंट था वो सविनय अवज्ञा भी दिया रहे और दांडी भी दिया रहे, तो आप दांडी पे ही टिक लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांच क्वेश्चन और करेंगे। बोला कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुई थी? चंपारण, बारदोली, सविनय, असहयोग। आचार्य विनोबा भावे किसके कारण गिरफ्तार हुए थे? पहली बार आंदोलन में आए, पहली ही बार गिरफ्तार हो गए, गांधी जी उनके ऊपर भी जेल जाने का कलंक लगवा दिए, तो वही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम। ठीक है, तो जब गांधी जी धरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धावे, देखो ऐसे समझो, पूछा कि महात्मा गांधी कहाँ थे जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ने धावा बोल दिया। ठीक है, कहाँ पर? धरसाना के नमक गोदाम पर। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कहाँ के नमक गोदाम पर धावा बोला था, तो बताएंगे धरसाना। उसमें गांधी कहाँ थे? जेल में ही रहे होंगे। कौन सी जेल में? आगा खां के पूना के पैलेस में, यरवदा जेल, साबरमती आश्रम में थे या साबरमती जेल में थे, कि अहमदनगर फोर्ट में थे, कि अंडमान में सेल्यूलर जेल में थे? अब बताओ गांधी जी कहाँ थे? ज्यादातर गांधी जी को मंदिर कहते थे, गांधी जी उसको यरवदा जेल, क्या हो आ गया मेरा मंदिर है ये, यहाँ पे तो हम किताब लिखेंगे। बताइए क्या नाम था? तो बताएंगे कि यरवदा जेल। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और पढ़कर समझकर करने की कोशिश करो, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक से पढ़ोगे गलत नहीं होगा। 48 का बताओ। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया, सही है, महात्मा गांधी का उद्देश्य है कि गरीबों को नमक मिले, तो गलत है, तो फिर से वही आंसर हो गया सी, सेम क्वेश्चन रिपीट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस का प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? लाहौर सत्र, बंबई सत्र, लखनऊ सत्र, त्रिपुरी। अभी ये क्वेश्चन करा है मैंने, अभी ये क्वेश्चन करा है मैंने, बताओ जरा हिमलता इसका क्या आंसर होगा? तो यही तो बताया था ना, रावी नदी के तट पर 1930 में 26 जनवरी को जब हम लोगों ने 15 अगस्त मना लिया 26 जनवरी को, तो फाइनली 1930 में गांधी जी ने प्लान कर दिया कि सीडीएम निकालेंगे। तो अगर कौन से सविनय आंदोलन में प्रारंभ करने का अधिकार मिला था कांग्रेस कमेटी को एकदम ऑफिशियल, तो बताएंगे लाहौर सत्र में ऐसा मिला था। मेरी बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी इज्जत से और बदले में मुझे पत्थर मारा गया, ये स्टेटमेंट किसका था? असहयोग आंदोलन से समय, खिलाफत, दांडी या भारत छोड़ो? तो सब जानते हो कि भैया प्यार से हम नमक कानून तोड़ने गए थे, हमको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और टॉर्चर किया गया। ठीक है, आप हमसे मिलते पूछते क्या बात है, हम बताते, हम तो केवल इसलिए ना बम फेंके थे असेंबली में कि हमसे कोई बात तो करे, अगर किसी को मारना रहता तो बम नहीं मार देते, यही चीज तो भगत सिंह भी कहे और यही चीज गांधी जी भी कहे कि देखो भैया हम प्यार से नमक कानून तोड़ने गए थे, नमक बनाए भी नहीं, और यहां पर हम जैसे ही बनाए तुम लोगों ने आकर जो है हमें पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, इज्जत से हम बात किए, तुमने मेरे मुंह पर पत्थर मार दिया, अब जो है वो तुमको देश से निकालेंगे, तो ये किसके खिलाफ था? दांडी मार्च के खिलाफ। ठीक है,
बोला कि 1930 में सविनय अज्ञा आंदोलन निम्न उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था, बताइए क्यों? ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग के लिए, निजी शासन, पूर्ण स्वराज, हिंदू मुस्लिम एकता, चारों सही लग रहा है, चारों सही लग रहा है, किस पे टिक लगाओगे? तो ना तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए असहयोग आंदोलन, सॉरी सविनय अज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, पूर्ण स्वराज तो हम लोगों ने उसी समय घोषित कर दिया था। अब दिए था कि अब सविनय प्यार से अयोग्या करेंगे, किसका? ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग करेंगे, तो राइट आंसर ए पर टिक लगाएंगे। आई मेरी बात समझ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, बट आज की क्लास में आज की क्लास में है ना सफिशियंट, ठीक है? तो ये हुआ, और भी चीजें अगर आपको जाननी समझनी है तो जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और भी चीजें मैं इस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा। कहीं कोई डाउट या कहीं कोई इश्यू है तो मुझसे पूछिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया भी था, शुरू में मैंने आपको बताया था कि सीडीएस की क्लासेस थी, आप लोगों को ढेर सारे एक्सेस करने को मिलेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, ढेर सारे टीचर्स की क्लासेस करिए, और गेट सब्सक्रिप्शन पाकर एनडीए या सीडीएस की क्लासेस करिए, क्विज पाइए, हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप की भी क्लासेस करिए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कृषि007 नाम के कोड को यूज करिए, मेरी बात समझे? और इस टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप बहुत सारे क्वेश्चंस, आंसर्स, सॉल्यूशन पा सकते। तो अभी आज की क्लास यहाँ खत्म होती है, किसी को कुछ कहना पूछना है तो पूछ कह लो, बस करता हूँ। 50-60 क्वेश्चन हम लोग, कम से कम 100 क्वेश्चन आज हम लोग का टारगेट पूरा हो गया, ठीक है? तो इतना सफिशियंट, वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा सेशन गया, काफी चीजें सीखने को मिली, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू।